दोस्तों, हमारा देश भारत अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत में अलग अलग धर्मों और आस्था वाले लोग एकता के साथ रहते हैं और हर धर्म का अपना अलग इतिहास है। अगर हिंदू धर्म की संस्कृति की बात करें तो देश में मौजूद मंदिरों में लाखों की तादाद में लोग पूजा आराधना करने जाते हैं। यहाँ ऐसे कई मंदिर मौजूद हैं जिसका इतिहास काफी रोचक रहा है। वहीं कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं, जिसका जवाब तो आज तक साइंस भी नहीं दे पाया। आज द मिस्टिका लैंड लेकर आया है एक रहस्य से भरे मंदिर के बारे में जानकारी, जिसके बारे में सुनकर आपको काफी आश्चर्य होगा। आज की हमारी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जहां एक ओर महिलाओं को पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने या न जाने के ऊपर कई कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है, वहीं हमारे देश के असम में कामाख्या नाम का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर न सिर्फ पीरियड के समय में महिलाएं मंदिर के अंदर जा सकती हैं, बल्कि उस मंदिर में देवी की भी महावारी के समय पूजा भी की जाती है। जी हाँ, और ये तो सिर्फ एक किस्सा है। इस मंदिर से जुड़े और भी कई ऐसे किस्से हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। आइए इस मंदिर के इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, कहां स्थित है ये मंदिर? असम के गुवाहाटी शहर के पास स्थित देवी सती का ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या नाम से मशहूर ये मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मशहूर शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है और यहाँ न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी कई लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। नंबर दो, मंदिर का इतिहास। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या क्यों है, उसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। पुरानी कथाओं के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें देवी सती के पति भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। ये बात सती को बुरी लग गई और अपने पति का अपमान वो सह न सकी, जिसके चलते नाराज होकर अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिवजी ने सती का शव उठाकर भयंकर तांडव किया जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। इसे शांत कराने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के कई सारे टुकड़े कर दिए। देवी के अंगों के ये टुकड़े अलग अलग जगहों पर जा गिरे। जहां जहां ये गिरे वो जगह शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या मंदिर में देवी सती की योनि और गर्भ गिरा था। ऐसा कहा जाता है जून के महीने में इससे रक्त का प्रवाह होता है। इस दौरान यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल हो जाती है। इस दौरान अम्बुवाची मेला चलता है। नंबर तीन, तीन हिस्सों में बना कामाख्या शक्तिपीठ। अगर हम इस मंदिर की बनावट की बात करें तो कामाख्या मंदिर तीन हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन इस हिस्से में हर व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी बहता रहता है। बता दें कि हर महीने के 3 दिन ये मंदिर बंद रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी कामाख्या अपने मासिक चक्र से गुजरती है, इसलिए इस समय में मंदिर बंद रहता है। नंबर चार, नदी हो जाती है लाल। हर साल यह अम्बुवाची मेला का आयोजन होता है। इस दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि पानी का लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म की वजह से होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस समय मंदिर के पुजारियों द्वारा नदी में सिंदूर डाल दिया जाता है, जिसके कारण पानी लाल होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वैसे ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले और माँ कामाख्या में आस्था रखने वाले भक्तों की इच्छा माँ जरूर पूरी करती है और उन्हें सभी मुसीबतों से दूर रखती है। नंबर पांच, दिया जाता है अनोखा प्रसाद। दोस्तों, आप जब भी किसी मंदिर में गए होंगे तो आपको प्रसाद के तौर पर कभी बूंदी के लड्डू या फिर मोदक जैसी कई चीजें मिली होंगी, लेकिन इस मंदिर में प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है वो बेहद ही अनोखा है। दरअसल यहाँ 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा
माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिनों तक जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है और इसे ही प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। नंबर 6, तंत्र मंत्र। आप तंत्र मंत्र में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि ब्रह्मांड में अगर अच्छी ऊर्जा है तो बुरी ऊर्जा भी मौजूद है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में और चमत्कार करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं, इसलिए यहाँ कई लोग अपनी समस्याओं की लंबी सूची लेकर आते हैं और तंत्र मंत्र से उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। नंबर 7, दी जाती है बलि। वैसे तो जानवरों की बलि देना हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल विषय रहा है, लेकिन आज भी ऐसे कुछ मंदिर मौजूद है जहां पर जानवरों की बलि दी जाती है। उनमें से एक है कामाख्या देवी मंदिर। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहां पर 5 दिन तक दुर्गा माता की पूजा भी की जाती है और यहां पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है और वहीं कुछ लोग कबूतर, मछली भी माँ कामाख्या देवी को चढ़ाते हैं। लेकिन समय के साथ अब ये प्रथा बदल गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान की स्किन का कुछ हिस्सा बलि में चढ़ा दिया जाता है, फिर इन जानवरों को वहीं छोड़ दिया जाता है। नंबर 8, भैरव के दर्शन करना अनिवार्य। दोस्तों, कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर स्थित है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदा शिव को कामदेव ने काम बाण से मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म किया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप कभी कामाख्या मंदिर जाएं तो भैरव जी के दर्शन जरूर करने जाएं। वैसे क्या आप कभी कामाख्या मंदिर में गए हो? आपका कैसा अनुभव रहा है या इस मंदिर के बारे में जानकर क्या आप वहां जाना चाहोगे, हमें कमेंट्स में बताना। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।